अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज है। बुरी न्यूज ये है, क्या लगता है बारिश होगा नहीं होगा? What's up, you beautiful people? This is Jason. की हालचाल, सत श्री अकाल। आपको पता ही होगा कल मेरा बर्थडे था। ओह मेरा हैप्पी बर्थडे। ऑल्दो मतलब जैसे मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था। इट वॉज मोर रिलैक्सिंग बट आई वॉज वर्किंग, यू नो, मतलब कल ऑफिस में पेंट हो रहा था, आज वैसे कंप्लीट हो गया होगा। सो मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम था। घर में हमने छोटी सी पार्टी करी, दो तीन गिफ्ट आए थे, मतलब केक्स आए थे एक्चुअली, तो केक काटे फैमिली के साथ में। अजीत आपा जी भी कल घर आए थे। खैर छोड़ो सारी बातें, रात गई बात गई, इट्स अ ब्रांड न्यू डे, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ व्लॉग विद अ बैंग। बैंग बोले तो आज के वीडियो में मैं गिव अवे करने वाला हूँ, बिकॉज बता देता हूँ, एक तो आपका भाई खुश है फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज समथिंग इज कुकिंग अप अगेन अगेन अगेन। ट्रेवल भी बहुत सारा है एंड आई एम बाइंग समथिंग। अब वो क्या होगा, वीडियो खत्म होने से पहले आपको हिंट मिल जाएगा। बट आप लोगों ने इतने विशेष दिए, इतने सारे ईमेल्स आए, इतने सारे इंस्टा टैग आए, मतलब मैसेजेस आए, डीएम्स आए, तो भाई जितना हो पाया हमने शेयर किया, लोगों को रिवर्ट किया। भाई जिनको नहीं कर पाया, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड इसका हर्जाना भरने के लिए हेयर इज़ अ ब्रांड न्यू जैकेट, वेरी ब्रांडेड, वेरी नाइस लुकिंग जैकेट। और देख लो अभी टैग भी लगा हुआ है जिसपे लिखा है 15,000 रुपये। एंड नॉट ओनली दैट, आई हैव अ पेयर ऑफ ग्लव्स एज वेल, तो ये भी मैं गिव अवे करना चाहूंगा आज के वीडियो में। तो भाई पूरा वीडियो जरूर से देख लेना, ओके? अभी सुबह उठ के मैंने सर धोया था, तो आज देखो मतलब ऑयल लगाने के बाद सर में फेस तक आ गया, कितना ऑयली ऑयली फील हो रहा है। एंड फिलहाल मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले तक धूप थी, अभी इट्स क्लाउडी। एंड हाँ, आपकी नज़र यहाँ भी जा रही होगी, और ये जो स्क्रीन पे चीज़ देख रहे हो ना, ये सब मैं लेके आया था मनाली से एज मेमरीज, यू नो, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। एक नंबर, मुझे लगता है इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनको मीठा खाना पसंद नहीं है, बट हम उनमें से नहीं हैं, हमें मीठा बहुत पसंद है। तो इसीलिए हमारे दीनो भाई ने हैदराबाद से हमारे बर्थडे पे स्पेशली भेजा यहाँ पे गुड़ वाला मिठाई। बेसिकली इसके अंदर में काजू हैं और गुड़ है, इसको बोलते हैं काजू पार या गुड़ पार, नो वरीज। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी लाइफ का गोल क्या रखते हैं, कम्फर्टेबल होना, या जो सोचते हैं उसको अचीव करना, या कह लो अपने सपने पूरा करना। जैसे किसी को करनी है अपनी शादी ग्रैंड, या खरीदनी है अपनी ड्रीम कार, या लेना है मोटरसाइकिल अपने जैसा, या ट्रैवल करना है, एक ड्रीम ट्रिप मारना है। बट सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू अचीव एंड हाउ टू प्लान बेसिकली इनफ बाइंग पावर सो दैट यू कैन मीट योर ड्रीम्स। बट फर्स्ट थिंग इज, सबको हार्डवर्क करना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, और अपना स्किल सेट यूज करके पैसे कमाने पड़ते हैं। बट द सेकेंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे बेहतर तरीके से यूज करते हो, वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है, आपको समझना है कि कैसे, कितनी इनकम है आपकी, कितना एक्सपेंस है, क्या लाइफस्टाइल अभी आप जी रहे हो, और क्या आपका डिजायर्ड लाइफस्टाइल है जीने के लिए, कितने पैसे आपको अपनी फैमिली को सिक्योर रखने के लिए चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, या कितने पैसे आपको चाहिए जब आप रिटायर हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कैसे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी करनी है, और कैसे प्लान करना अपना रिटायरमेंट, मतलब कितना मनी इनफ रहेगा, है ना, और इन बिटवीन अपने सपने भी पूरे करने हैं, जिंदगी भी जीनी है, घूमना भी है, चीज़ें भी खरीदनी है। सो हियर इज द कैच, आई यूज INDMoney मनी सुपर रोबो एडवाइजरी, एंड दिस इज वॉट आई लव अबाउट दिस एप्लीकेशन। फर्स्ट थिंग, मतलब ये एप्लीकेशन यूज करके आप मैनेज कर सकते हो अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अंडर वन डैशबोर्ड। कहने का मतलब है एक्टिवेट INDMoney एश्योर, और इसके बाद में जितने आपके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हैं, बॉन्ड्स हैं, आपके लोन हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके सेविंग अकाउंट है, सब कुछ सिंक हो जाते हैं अंडर वन रूफ, कह सकते हो अंडर वन पोर्टफोलियो। दूसरी चीज है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें क्या रिटर्न मिल रहा होता है हमें नहीं पता होता। सो इस एप्लीकेशन में एक फीचर है विच लाइक टेल्स यू, इन्फॉर्म्स यू कि भाई कितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है, और क्या रिटर्न मिल सकता है अगर सही जगह पर इन्वेस्ट किया जाए। एंड थर्ड फीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, कई बार हिडन चार्जेस, हिडन कमीशन हम लोग दे रहे होते हैं, हमारे पैसे कट रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता, तो इसके बारे में भी ये ऐप जो है हमें नोटिफाई करता है।
एंड गेस व्हाट, ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज फीचर्स आर फ्री फॉर यू, तो इसीलिए डाउनलोड करना बनता है. बट आई हैव द गोल्ड मेंबरशिप जिसके लिए मैं पे करता हूँ 399 rupees पर मंथ, विच इज एक्चुअली नथिंग, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो भी इससे ज्यादा पैसे का तो खाना आता है एक बंदे का. आजकल महंगाई इतनी है, बट यहाँ पे उससे क्या बेनिफिट मिलता है मुझे, डे टू डे मतलब कि यहाँ पे गाइडेंस मिलती है मुझे, एडवाइजरी मिलती है बाय द एआई, और ऐसे भी कह सकते हैं मशीन लर्निंग ड्रिवन डिजिटल फैमिली जो मेरे को डेली गाइड करती है. जैसे हमारी ये स्मार्ट वॉच है, ये हमें बताती ना कि आज आपका ये वाला गोल अचीव करने के लिए इतने स्टेप्स आपको और चलना है, तो इसी तरीके से जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए हमें यहाँ पे मिलती हैं अच्छी अच्छी एडवाइजेस. सो दैट इज व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेकआउट करने का है, आईएनडी मनी डाउनलोड करने का है. अमेजिंग एप्लीकेशन है, विद इन 2 मिनट्स आपको अपना सिबिल स्कोर भी पता लग जाता है और कहाँ कहाँ आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ एक ही जगह पे आप ट्रैक कर सकते हो. वैसे भाई लोग, क्या मैंने आपको बताया, मेरे को कॉल आ चुका है जीवी से, मेरा पैनियर सेट आ चुका है जो मैंने ऑर्डर किया था मतलब स्पिति ट्रिप से पहले, बट नाउ इट इज हेयर, अब आ गए हैं, तो चलो लगवा के आते हैं. ये मौसम का तो अपने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. मैं ऑफिस से निकला था तब क्लाउडी था, हवा बहुत तेज अभी भी चल रही है, बट अभी धूप निकल गई है गाइस, हैव अ लुक, मतलब कितनी तेज ये पेड़ हिल रहा ना. एनीवेज आई एम एक्साइटेड ब्रो, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरी बाइक कैसी लगेगी और कैसी चलेगी पैनियर्स और टॉप बॉक्स लगवाने के बाद में, बट आई एम हैप्पी स्पेंडिंग दिस मनी, इन्वेस्टिंग दिस मनी एक्चुअली, बिकॉज पता क्या है, एक बार ये लगेज सॉल्यूशन सेट हो गया ना, उसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ. एंड आप लोगों को पता है कि ये वाला बाइक मैंने इसीलिए लिया था कि इसके ऊपर में मैं पिलियन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर सकूँ. सो दैट इज़ माई प्लान. आगे आगे आपको पता है अभी ट्रैवलिंग का टाइम आ रहा है, मतलब मोटरसाइकिल के टूर का टाइम आ रहा है, क्योंकि सर्दी आएंगे ना, बारिशें थम जाएंगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, जैसा आज है, खुशी वाला मौसम है. वैसे सच्ची सच्ची बोलूँगा ना तो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग में है, क्योंकि मैं ट्रैवल इतना करता हूँ ना, इसीलिए अपने ऑफिस के कुछ काम पेंडिंग है, पर्सनल लाइफ के कुछ काम पेंडिंग है, एंड बाइक रिलेटेड भी बहुत सारे काम पेंडिंग है. इसके ऊपर में मुझे PPF करवाना है, उससे पहले थोड़ा सा डिटेलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एक गड़बड़ हुई है हमसे रोड ट्रिप पे, अभी दिखाऊंगा जब रुकेंगे तो. और जो काम मेरे को अब करवाना है वो पहले करवा लेना चाहिए था, और अब मुझे लग रहा है थोड़ा भगा लेना चाहिए था, क्योंकि बारिश हो सकती है बॉस. क्या लगता है, बारिश होगा नहीं होगा? इधर नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है, मेरे को तो इधर ही जाना है, भीग जाऊंगा मैं. ओ माई गॉड, किस्मत देख लो दोस्तों, मतलब यहाँ तक पहुँच गया हूँ, यहाँ बारिश नहीं है, राइट लेंगे तो शायद हो सकती है, बट मैं भीगना सच्ची में नहीं चाहता हूँ. एनीवेज माय डेस्टिनेशन इज़ वेरी नियर, लेट्स से 2-4 kilometers मोर, ये फाइनल राइट है, इसके बाद सीधा सीधा इसी रोड पे आ जाएगा जीवी और कावासाकी, व्हाट एवर यू वांट टू से. वैसे सुजुकी भी वहीं है, BMW भी वहीं है, डुकाती भी वहीं है, तो एक लाइन में चार शोरूम है, चार में से तीन में से तो मैं बाइक खरीद चुका हूँ, एक पेंडिंग है. ओ नो, तो ऑटो वाले भैया बिल्कुल सही कह रहे थे राइट लोगे तो आपको बारिश मिलेगी, और देखो बारिश मिलना चालू हो गई है. बट अच्छी बात है, बस ये पुल उतरने वाला हूँ, उतरने के बाद ही शोरूम आ जाएगा, तो उम्मीद है नहीं भीगेंगे ज़्यादा. के लिए तो एक लाइक बनता है ना, मतलब खाने से पहले आजकल मैं अपने गिनी पिग से करवाता हूँ स्टंट्स, बट आप लोग सड़कों पे बिल्कुल मत करना. फिलहाल दोस्तों आई एम बैक फ्रॉम जीवी. अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है. बुरी न्यूज़ ये है कि सारा काम नहीं हुआ, अच्छी न्यूज़ है कि मेरे जो पैनियर्स हैं वो लग गए, मतलब आज मैंने लाखों की इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्योंकि इस वाली बाइक पे ना मैंने अपनी वाइफ के साथ में ट्रैवल करना है, और आगे आगे अभी ट्रैवल का सीज़न आ जाएगा जब बारिशें रुक जाएंगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल.
सेकेंड थिंग इज कि टॉप बॉक्स के लिए मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया वाला GSA है ना, इसका फिटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी टॉप बॉक्स फिट नहीं हुआ, बट अगली बार जाएंगे तब तक जुगाड़ हो जाएगा और उसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। एज ऑफ नाउ इतना कहना चाहूँगा, ये जो मैट कलर में, ब्लैक कलर में जो मैंने पैनियर्स लिए और टॉप बॉक्स लेना है, इनके ऊपर भी ग्राफिक होगा तूफान से रिलेटेड। मैंने इंटरनेट पर कुछ पिक्चर्स देखी थी, सो बहुत अच्छी लगती है बाइक इसके साथ में। एंड दिस इज द हैजल फ्री लगेज सॉल्यूशन, जो फॉरनर्स भी यूज़ करते हैं, काफ़ी फेमस है इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी ट्रेंड आ गया है टॉप बॉक्स का, पैनियर्स का, क्योंकि इसके अंदर में सामान गीला नहीं होता, इनको लगाना हटाना बहुत आसान होता है। बट हाँ, बाइक थोड़ा मैसिव हो जाता है, आप कटिंग करके नहीं निकाल सकते, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे से दोनों साइड से पैनियर्स बाहर हैं तो किसी गाड़ी में टच ना हो, किसी बाइक पे टच ना हो। आ गए भाई, सीधा हम गिव अवे पे आ गए। अब टेंशन नहीं, इधर उधर की बातें खत्म, टू द पॉइंट, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते और जीत सकते एक राइडिंग जैकेट एंड ग्लव्स। आपको सिंपली 3-4 चीज़ें करनी है। पहला तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कमेंट सेक्शन में एक आंसर करना है इस सवाल का कि वाई राइडिंग गियर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, हमें राइडिंग गियर क्यों पहन के बाइक चलाना चाहिए। तो जिसका भी बढ़िया आंसर होगा हम उनको गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से। एंड आपको याद होगा सीरियसली पार्टिसिपेट करना, पहले मैंने आईफोन दिया था, नियर फ्यूचर में मैं हेलमेट भी गिफ्ट करने वाला हूँ और शायद से एक मोटरसाइकिल भी गिफ्ट कर दूँ। सो मेक श्योर गाइज, जेन्युइन पार्टिसिपेशन करना। एक हफ्ते का टाइम है, जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है विद इन 1 वीक आई विल अनाउंस द विनर ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, उतना ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूरी है। सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर। एंड याद दिला दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा आईएनडी मनी का, तो उसको डाउनलोड करके आज से ही प्लानिंग करनी है आगे की, एंड फ्यूचर को सिक्योर करना है फाइनेंशियली और ज़िंदगी भी जीनी है। एंड इतना बता दूँ, इट्स टोटली अ सेफ प्लेटफॉर्म, सेफ एप्लीकेशन, जिसको 1.5 मिलियन इंडियंस यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो और गिव अवे में करो पार्टिसिपेट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो आपको पता करना है क्या, अब तो भाई कॉन्टेस्ट है तो लाइक तो करना ही है, कमेंट तो करना ही, कहने दी गल ही नहीं है। अगले वीडियो में धमाका है, क्योंकि मैं लोड कर रहा हूँ अपनी बूसा, तो कुछ पार्ट्स मैंने मंगाए हैं, उसका मुझे कॉल आया था, दे आर हियर, लेट्स गो गेट।